भारत के एवरेस्ट मसाले और भारत के एमडीएच करी मसाले, दोनों मसालों पे यहाँ सिंगापुर की सरकार ने और हांगकांग की सरकार ने बैन लगा दिया है। इसका कारण क्या है कि एवरेस्ट का फिश करी मसाला और एमडीएच के तीन मिक्स मसाला जिसमें मद्रास करी, सांभर मसाला, करी पाउडर, तीनों में ही क्या होता है कि कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिसकी वजह से कैंसर होती है। देखिए, एथिलीन ऑक्साइड जो है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो माइक्रोबियल कंटिमिनेशन को रोकती है। ये मसालों के स्टरलाइजेशन में उपयोग होता है। हाल ही में भारत की ढेर सारी कंपनियाँ जैसे कि नेस्ले का सेरेलक बनाता है, तो सेरेलक में भी बहुत ही ज़्यादा शुगर पाई गई है, बॉर्नविटा में बहुत ज़्यादा शुगर पाई गई है, और प्रोटीन पाउडर को लेकर भी कहा जा रहा है कि उससे लीवर ख़राब होता है, और ढेर सारे एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं। फिलहाल एक सप्ताह से यही सब चल रहा है, लेकिन सिंगापुर और हांगकांग ने यह रोक लगाकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। हमें अवेयर किया है कि इनके मसाले एवरेस्ट के और एमडीएच के, अब खासकर एवरेस्ट का फिश करी मसाला और एमडीएच का तीन मसाला, मद्रास करी, सांभर मसाला और करी पाउडर बिल्कुल न प्रयोग करें, इसमें बहुत ही ज़्यादा एथिलीन ऑक्साइड है।